रहा है तू, छिछो रहा है, छिछो रहा है। मैं नहीं, तू छिछो रहा है, तू छिछो रहा है। सलमान शाहरुख के बीच कहते हैं खूब जबरदस्त झगड़ा हुआ था। आज सलमान खान ट्विटर पे शाहरुख खान के एक विज्ञापन को ट्वीट करके कहते हैं स्वागत नहीं करोगे इनका। शाहरुख ओटीटी पे एंट्री करने वाले हैं और सलमान खान ने उनका स्वागत करने को कहा, लेकिन इन दोनों के बीच ऐसी जंग छिड़ी थी जिसे खान वॉर का नाम दिया गया था। जी हाँ, एक जमाने में खूब हेडलाइंस छपा करती थी। आज जिक्र उन्हीं किस्सों का करेंगे। शाहरुख और सलमान ने लगभग एक ही साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। शाहरुख दिल्ली से मुंबई गए थे और शाहरुख ने बताया था कि सलमान के परिवार ने उस वक्त उनका बहुत साथ दिया था जब उनके सर पर छत नहीं थी। सलमान के पापा सलीम खान ने उनकी बहुत मदद की थी। दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने पहली बार फिल्म करण अर्जुन में साथ काम किया। फिर तो सबको लगा कि ये बॉलीवुड के करण अर्जुन है, भैया इससे बढ़िया जोड़ी तो हो ही नहीं सकती। इसके बाद दोनों कुछ कुछ होता है में भी दिखे। खूब दोनों की दोस्ती के किस्से जो हैं वो सुनाई देने लगे। इसके बाद शाहरुख बहुत बड़े स्टार बने, सलमान भी बहुत बड़े स्टार बने। शाहरुख यशराज कैंप का एक तरह से आप कह सकते हैं मेन चेहरा बन गए। शाहरुख एक से बढ़कर एक फिल्में कर रहे थे, सलमान भी कर रहे थे, लेकिन सलमान चर्चा में अपने विवादों की वजह से ज्यादा थे। कभी चिंकारा के शिकार वाला मामला, कभी ऐश्वर्या से अफेयर, खूब लड़ाई झगड़ों की खबरें आती थी गर्लफ्रेंड्स के साथ इनकी। ऐसे में एक बार क्या हुआ, ऐश्वर्या और सलमान के बीच झगड़ा हो गया। उस वक्त ऐश्वर्या शाहरुख खान के साथ फिल्म चलते चलते में काम कर रही थी। सलमान खान पहुंच गए चलते चलते के सेट पर, चिल्लाने लगे, ऐश्वर्या से लड़ने लगे। शाहरुख खान ने ऑब्जेक्शन किया और कहते हैं उस वक्त सलमान खान ने शाहरुख खान का कॉलर पकड़ लिया था। पहली बार, खबरों की माने तो सलमान और शाहरुख के बीच झगड़ा फिल्म चलते चलते के सेट पर हुआ। शाहरुख खान ने उस वक्त ऐश्वर्या राय को उस फिल्म से निकाल दिया, रानी मुखर्जी को फिल्म में ले लिया। शाहरुख का कहना था कि भैया मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों की दुश्मनी का चैप्टर जो है वो शुरू हो गया। फिर फराह खान की शादी पे दोनों की मुलाकात होनी थी, दोनों को बुलाया गया था। लग रहा था कि कहीं झगड़े ना दोनों, लेकिन फराह ने दोनों की सुलह उस वक्त तो हो गई, लेकिन बाद में अभी असली जंग बाकी। शाहरुख खान ने केबीसी होस्ट किया, सलमान कटरीना कैफ के साथ वहां मेहमान बनके पहुंचे। शाहरुख खान ने ओम शांति ओम के गाने के लिए सलमान खान को बुलाया, सलमान ठुमके लगाने पहुंच गए, लेकिन कहते हैं जब शाहरुख खान की बारी आई तो शाहरुख खान ने सलमान को नाराज कर दिया। सलमान चाहते थे कि फिल्म मैं और मिसेस खन्ना में शाहरुख खान गेस्ट अपीयरेंस करें, लेकिन शाहरुख माने नहीं और यहीं से फिर से खटपट की शुरुआत हो गई। इसके बाद शाहरुख खान ने टीवी पे शो होस्ट किया क्या आप पांचवीं पास से तेज हैं। सलमान खान ने होस्ट किया 10 का दम, 10 का दम ज्यादा कामयाब रहा और यहां से फिर उस झगड़े की शुरुआत हुई जिसे खान वॉर का नाम दिया गया। और ये झगड़ा जिस दिन एक जंग में बदल गया वो दिन था 16 जुलाई 2008, कटरीना कैफ का बर्थडे। कटरीना सलमान की गर्लफ्रेंड हुआ करती, पार्टी दी गई मुंबई के ओलिव बार। सलमान भी आए, शाहरुख भी आए, बहुत से सितारे आए, आमिर भी आए। कहते हैं वहां सलमान खान ने शाहरुख खान पर तंज कस दिया कि तुम्हारा शो तो चल नहीं रहा, मेरा ज्यादा चल रहा है। गुस्सा इस बात का था कि शाहरुख को मैंने गेस्ट अपीयरेंस के लिए कहा और शाहरुख ने मना कर दिया। उसके बाद कहते हैं शाहरुख खान ने भी कुछ बातें कही जो सलमान को चुभ गई और दोनों के बीच नौबत हाथापाई तक आ गई। आमिर खान ने दोनों के बीच सुलह कराने की खूब कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। वारी खान शाहरुख को वहां से लेकर के चली गई और उसके बाद ये जंग जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से छिड़ी। दोनों ने एक दूसरे पे जमकर वार किए, दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सलमान ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि शाहरुख खान अब उनके दोस्त नहीं है। एक बार अमृता अरोड़ा की शादी पे सलमान खान पहुंचे, जब उनसे शाहरुख खान को लेके सवाल किया तो ऑटो में बैठकर वहां से निकल लिए, जवाब ही नहीं दिया। अगस्त 2009 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं और शाहरुख बैंड स्टैंड के दो अलग अलग कोनों पे रहते हैं, हम कभी एक हो ही नहीं सकते।
सलमान खान जब एक बार जी टीवी के रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में पहुंचे तो वहां एक बच्चे के सिक्स पैक एब्स को देखकर कहा कि ये तो शाहरुख खान से भी अच्छे हैं। शाहरुख खान ने भी कई जगह निशाना साधा, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद शाहरुख खान ने कह दिया कि भाई ये खान वॉर जो है अब बोरिंग हो गई। फिर 2 जनवरी 2011 को शाहरुख खान ने करण जौहर के शो पर सलमान खान से हाथ जोड़कर माफी मांगी। साफ साफ तो नाम नहीं लिया, लेकिन माफी जरूर मांगी। फिर जब सलमान खान से इस बारे में सवाल किया गया तो एबीपी न्यूज पर सलमान खान ने कहा कि आवण जावण में वो मेरे घर के आगे से कई बार गुजरता है और माफी टीवी पर मांग रहा है। यानी सलमान चाहते थे कि जो भी बातचीत हो वो आमने सामने हो। जब सलमान नहीं माने तो फिर से शाहरुख खान ने भी उन पर निशाना साधना शुरू किया और सलमान खान ने भी निशाना साधना शुरू किया। फिर नवंबर 2012 में शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान के प्रीमियर पर जब सलमान खान पहुंच गए तो हर कोई हैरान रह गया। ये यश चोपड़ा की डायरेक्ट की गई आखिरी फिल्म थी, यहाँ बहुत से सितारे पहुंचे थे और शायद यश चोपड़ा के सम्मान में ही सलमान भी वहां पहुंचे, शाहरुख की वजह से नहीं। जंग चलती रही, लेकिन फिर एक दिन जब बिग बॉस में एक प्रतियोगी इमाम ने शाहरुख खान के बारे में कुछ उल्टा कहा तो सलमान खान भड़क गए। हर कोई हैरान रह गया कि अपने दुश्मन के बारे में उल्टी बात सुनकर सलमान को दुख क्यों हुआ, क्या दोनों के बीच दोस्ती होने वाली है? और फिर कुछ वक्त बाद दोस्ती हुई। सलमान की बहन अर्पिता की शादी पे शाहरुख खान पहुंचे। शाहरुख और सलमान की अर्पिता को किस करते हुए ये प्यारी सी तस्वीर सामने आई और फिर इन दोनों की खान वॉर खत्म। शाहरुख सलमान के शो बिग बॉस में मेहमान बनके पहुंचे और वहां दोनों ने अपनी दुश्मनी का जमकर मजाक उड़ाया। इसके बाद दोनों दोस्त बन गए और फिर कभी इनके बीच दुश्मनी का कोई किस्सा सामने नहीं आया। और अब तो सलमान ने शाहरुख का ओटीटी पर स्वागत भी कर दिया है। दिल में स्वागत तो पहले ही कर दिया था, अब ये स्वागत ट्विटर पे भी हो गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।